प्रणाम जय जिनेन्द्र सो टुडे इज अ फोर्टी फर्स्ट क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र अने इन दिस क्लास विल स्टार्ट विथ फिफ्टीन तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र तो लेट्स स्टार्ट विथ मंगलाचरण नमो अरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयम नमो ऊ नमो लोहे सब्व साहुरम ऐसो पंच नुक्कारो सव पापरासनो मंगलारव्य सिंह परम ववई मंगलम रागद्वेश विजेता सक्रपुज्यिराशम तीर्थेशम श्रुतिमा पन्नगे चुरेन्द्रे कौशिके पाद संस्कृति निर्वशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नम अनाथा ज्ञान सलाकया नेत्र तस्मै श्री गुरुवे नमः सर्व वरिष्ठ प्राणासाय सर्व भिष्टार्थदायिने श्री गौतम स्वामिने नमः ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदममोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः प्रणाम जय जिनेंद्र सो लास्ट क्लास में वी वेर हमने उर्ध्वलोक के बारे में देखा हम वो ब्रीफ ब्रीफली थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर ये क्लास में वी विल अगेन गो बैक टू मध्यलोक और मध्यलोक में हमको जो ज्योतिष देव है ज्योतिष के देव उसके बारे में बात करना है आ, वो शास्त्र में काफी डिटेल में दिया गया है ज्योतिष देव का हम शायद उसके बारे में आई थिंक विल टेक अराउंड थ्री क्लासेस जस्ट ऑन ज्योतिष ज्योतिष के देव वो काफी काफी इंटरेस्टिंग है पर लेट्स ब्रीफली रिवाइज उर्द्व लोक का वर्णन तो हमने देखा कि ये जो चौदह राजलोक है चौदह राजलोक में जहाँ पे हम हम विराजमान है हम हम जहाँ पे रहते हैं वो, वो भूमि है और इस भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे वो मध्य लोक है तो 900 योजन ऊपर जो भी एरिया है उसको उर्ध्वलोक कहते हैं और ये उर्धलोक के डिस्क्रिप्शन में हमने ऊपर से नीचे तक पूरा डिस्क्राइब किया वी स्टार्टेड विद सिद्धशिला उसके बाद पांच चनुत्तर नौ ग्रेवियक फिर उसके बाद हमने नौ लोकांतिक देव के बारे में देखा तीन किलभिषक देवता के बारे में देखा और बारह वैमानिक देव देव देवलोक के बारे में देखा तो हम एक बार हम ब्रीफली रिवाइज कर देते हैं तो आ, सबसे पहले सिद्धशिला सिद्ध जो सर्वाश्रित विमान है जो अनुत्तर विमान है उससे बारह योजन ऊपर ये सिद्धशिला नाम की पृथ्वी है ये पृथ्वी उल्टे छत्र की तरह है वो स्फटिक जैसी सफेद सफेद है या दूध की धारा जैसी सफेद है ना हमको ये समझना चा... ये, आ, समझना चाहिए कि ये सिद्ध सिला नाम की पृथ्वी पे कोई भी सिद्ध जीवो का वास नहीं है राइट वो सिर्फ पृथ्वी है वो एम पृथ्वी है पर सिद्ध जीवों का वास लोक के अंत पे है राइट जो ये पृथ्वी है उसके एक योजन ऊपर जो लोक का अंत है वहां से सिद्ध जीवों का वास है तो ये पृथ्वी उसका डायामीटर 45 फाइव लैक यूजनस उसका थिकनेस 8 यूजन्स है और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं पेरीफरी की तरफ उसका जो थिकनेस कम होते जाता है और एट द एंड ऑफ पेरीफरी अंगुल के असंख्यता भाग जितना पतला हो जाता है फिर उसके बारे में उसके बाद हमने देखा कि जो लोक के अंत से थ्री हंड्रेड धनुष्य तक सिद्ध जीवों का वास है और उसका रीजन ऐसा है कि जो मैग्जिम जो शरीर है जो मोक्ष में जा सकता है वो पांच सौ धनुष्य है जो ऋषभदेव भगवान का था और जब जीव मोक्ष में जाता है तब वो अपने आत्मा को कॉम्प्रेस करता है जहां पे शरीर में जहाँ पे भी जगह है पोला है वहां पे वो कॉम्प्रेस करता है और वो टू थर्ड तक अपने आत्मा को कॉम्प्रेस करता है इसलिए जो मैक्सिमम अवगाना है अः सिद्ध जीवों का वो लोक के अंत से थ्री हंड्रेड एंड थर्टी थ्री धनुष्य तक की अवगाना है फिर उसके बाद हमने पांच चरण और नौ ग्रेविक के बारे में देखा पांच अनुत्र और नौ ग्रेव्य वो उसको कल्पातीत देवता कहते हैं राइट अभी तक आपको याद रह गया होगा कल्पातीत देवता मतलब वो कोई भी प्रकार से कल्प से अतीत राइट देर इज नो कल्प मतलब वहां पे कोई इंद्र नहीं है कोई सामान्य देवता नहीं है कोई अभियोगिक देवता नहीं है कोई नौकर चाकर लो, लोकपाल देवता ऐसे कुछ भी व्यवहार नहीं है सभी इंद्र सभी देवता स्वयं के इंद्र है और उनको अहम इंद्र कहते हैं इसलिए ये जो पांच अनुत्तर और नव ग्रेविक के जो देवता है उसको कल्पातित देवता कहते हैं तो हमने सबसे पहले अ नौ के बारे में देखा तो नव ग्रेविक के बारे में जो अभव्य जीव है वो मैक्सिमम नाइन्थ ग्रेविक तक जा सकता है राइट जो अभव्य जी पर जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ही पांच अनुत्तर में जाता है तो जो नौ ग्रेविक है उसमें टोटल नौ प्रतर है राइट right? हमने देखा था कि प्रतर मतलब क्या प्रतर मतलब भूमि राइट right? ये देवलोक में जो भूमि होती है ना भूमि पे कोई रहता नहीं है पर भूमि के ऊपर विमान होते हैं ये विमान भूमि को टच करके हुए रहते होते हैं और ये देवलोक के देव वो विमान में रहते हैं वो भूमि पे नहीं रहते पर ये नौ ग्रेव्य के नौ प्रतर है वो थ्री तीन के सेट्स में डिवाइडेड है जो उर्धत्रिक मध्यत्रिक और अधोत्रिक तो उसके नाम शास्त्र में दिए गए भद्र सुभद्र सुजात वो ऊर्धव त्रिक है फिर उसके बाद सुमनस सुदर्शन और प्रिय दर्शन वो मध्य त्रिक है और उसके बाद अम्हो सुप्रतिभद्र और यशो यशोधर ऐसा करके त्रिक है तो ये जो प्रतर है टोटल नाइन प्रतर है इसमें देवताओं के विमान है तो टोटल त्रिक में एक, Mode 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 एक विमान फिर जो मध्य त्रिक है उसमें उसमें सौ विमान और फिर जो त्रिक है उसमें एक सौ सात विमान तो ऐसा करके टोटल थ्री हंड्रेड एंड एटीन विमान ज्योग्राफी देखा था कि ये जो विमान है उसमें 69 टोटल गोल विमान है एटी फोर त्रिकोण है और सेवेंटी टू चौरस विमान है ये जो गोल त्रिकोण और चौरस विमान होते हैं वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में होते हैं राइट उर्ध्व जो सॉरी जो आ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो स्ट्रेट लाइन में जो विमान होते हैं उसको पंक्तिगत विमान कहते हैं तो ये गोल त्रिकोण और चौरस वो सब पंक्तिगत विमान है और बाकी जो जो छूटे चवाए विमान है उसको पुष्पावर किरणक कहते हैं जो कोई भी शेप के हो सकते हैं कोई दीपक के शेप के हो नंदावट के शेप के हो तो ऐसे कोई भी डिफरेंट टाइप के शेप के हो सकते हैं तो ऐसा करके हमने देखा था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो विमान है वो पंक्तिगत है वो डेफिनेट शेप वाले होते हैं पर बाकी जो छुटे चवाए विमान है वो कोई भी शेप के हो सकते हैं फिर उसके बाद हमने पांच अनुत्तर के बारे में देखा ये पांच अनुतर के जो पांच विमान है वो एक ही प्रतर पर है राइट तो जैसे नौ ग्रेव के नौ प्रतर थे पर ये जो पांच अनुत्तर है वो सभी एक ही प्रतर पर है और उसमें सबसे सेंटर में जो विमान है वो सर्वसिद्ध विमान है वो एक लाख योजन का डायमीटर है जो जम्बूद्वीप का डायमीटर है वो सेम डायमीटर इस विमान का है राइट तो सर्वार विमान एक लाख योजन वाला है और बाकी के जो चार विमान है विजय विजयन जयंत और अपराजित वो असंख्य योजन से मतलब काफी काफी बड़े ये विमान है तो यहाँ पे सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं और जो सर्वार्थित विमान में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो नेक्स्ट भव में मोक्ष में जाते हैं और बाकी के चार विमान में जो उत्पन्न होते हैं वो मैक्सिमम सेवन टू एट भव में वो जीव मोक्ष में जाते हैं फिर हमने देखा कि जो सर्वासित विमान में उत्पन्न होते हैं उनके कर्म इतने कम होते हैं कि अगर वो मनुष्य में पिछले भव में अगर वो एक छत का तप भी ज्यादा कर दिया होता तो अभी वो मोक्ष में होते पर उनका आयुष्य खत्म हो गया और इसलिए वो यहाँ पे सर्वाश्रित विमान में उत्पन्न होते हैं फिर अः उसके बाद देखा कि जो भी जीव सर्वासित विमान में उत्पन्न होता है उनका जो आयुष्य है वो थर्टी थ्री सागरों पर आयुष्य है पर वो पूरा आयुष्य वो जिस आकाश प्रदेश में उत्पन्न होते हैं वो ही आकाश प्रदेश में रहते हैं मतलब वो हलन चलन भी नहीं करते वो लोग ज्ञान और ध्यान में मग्न होते हैं और अगर उनको कोई संशय हो कोई डाउट हो तभी वो सैया से बाहर निकलते हैं तीर्थंकर परमात्मा को प्रणाम करते हैं और मनोमन वो तीर्थंकर परमात्मा को प्रश्न पूछते हैं और तीर्थंकर परमात्मा मनोवरग्र के पुतगल को परिणमन करके उनका तुरंत ही जवाब दे देते हैं पर पूरी जिंदगी थत्री सागरोपम वो ज्ञान और ध्यान में वो मग्न होते हैं राइट ऐसा करके हमने पांच चरण नौ ग्रेव्य के बारे में देखा वो सब कल्पातीत देवता है और उसके बाद हमने जो कल्पोपन्ना देवता से कल्पोपन्ना देवतास जो बारह वैमानिक देवलोक है किलभिषक और लोकांतिक देवता ये सभी कल्पोपन्ना मतलब वहाँ पे कल्प है वहाँ पे इंद्र है सामानिक देवता है लोकपाल देवता है अणिक देवता है अभ्योगिक देवता है ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्प है तो सबसे पहले हमने नौ लोकांतिक देव के बारे में देखा था कि ये जो नौ लोकांतिक देव है वो वो भी सर्वाश्रित विमान की तरह उनका अंतिम भव है ये जो नवलोकांत्रिक देव है उनको शास्त्र में दुषान दूसरा नाम उनको देवर्षि कहा जाता है मतलब वो देव के लोक में ऋषि की तरह रहते हैं साधु भगवान की तरह वो देव लोक में रहते हैं कि वो विषय कषाय से रहित होते हैं और जब भगवान का जब दीक्षा समय नजदीक आता है तब वो एक साल पहले भगवान के पास आते हैं और वो तीर्थ को प्रवर्तना करने का वो रिक्वेस्ट करते हैं भगवान को और भगवान तब से वो एक साल का वर्षीदान वो प्रारंभ करते हैं तो ये नौ लोकांतिक देव अत्यंत भगवान के भक्त होते हैं और वो दूसरे भाव में वो लोग मोक्ष में जाते हैं तो ये नौ लोकांतिक देव जो फिफ्थ देवलोक है जो ब्रह्म देवलोक उसके बाजू में ये नौ लोकांतिक देव का वास है अभी ये जो फिफ्थ देवलोक है उसमें छह प्रतर है इसमें उसमें से जो थर्ड प्रतर है उसका उसका नाम रिष्ट नाम का प्रतर है वहां पे ये नौ लोकांतिक देव का वास है फिर हमने देखा था कि जो मध्य लोक में जो असंख्य द्वीप समुद्र को पार करके एक अरुणवर द्वीप और अरुणवर समुद्र आता है वहां से इस तमस्काय नाम का पदार्थ जो उछलता है जो डार्क मैटर टाइप पदार्थ जो श्याम वन का है गंभीर है ऐसा पदार्थ जो उछलता है वो उछल के फर्स्ट सेकंड देवलोक के ऊपर थर्ड फोर्थ देवलोक के ऊपर ये फिफ्थ देवलोक में जो रिष्ट नाम का प्रतर है वहां पे वो परिणमन पानता है मतलब ये अपकाय रूप पदार्थ है और वो यहाँ पे पृथ्वी काय रूप यहाँ पे परिणमन होता है तो ये नौ जो लोकांतिक देव है उनका वास इस जो जो कृष्ण राजी है जो, जो का पदार्थ है उसके बीच बीच में इन नौ लोकांतिक देवों का वास है तो यहाँ पे जो नौ लोकांतिक देव के विमान है उसके नाम दिए गए अर्ची अर्चिमाली, वैरोचन, प्रभंकर चंद्राप सूर्याप, शुक्राब सु और सुप्रतिष्ठाप ऐसे सुप्रतिष्ठाप और रिष्ट ऐसा करके नौ विमान है जो फिफ्थ देवलोक के रिष्ट नाम के प्रतर पे है और जो नौ प्रकार के जो लोकांतिक देव है जो जो इस नौ विमान में वास करते हैं उनका नाम सारस्वत आदित्य वन्नी वरुण गर्दोतय तुषित आव्याबाद अग्नि और रिष्ट ऐसे ऐसे करके अगर तीर्थंकर चरित्र में इनका उल्लेख आता है कि ये नौ प्रकार के लोकांतिक देव है तो ये लोकांतिक देव अत्यंत कम क्वांटिटीज में होते हैं मतलब वो एकदम संख्याता है अः क्योंकि वो अत्यंत पुण्यशाली देव है और वो नेक्स्ट भव में वो मोक्ष में जाने वाले होते हैं फिर उसके बाद हमने किलभिषक देवता के बारे में देखा कि ये किलभिषक देवता कैसे है कि वो जाति के देवता है, आ, मतलब जो जो नीच नीच काम करते हैं वो आ, जैसे मनुष्य लोक में जैसे चंडाल आ, या जिसके जिसने नीच गोत्र नाम कर्म का बंध किया हो ऐसे जो जो शुद्र जाति के जीव होते मनुष्य लोक में उसी प्रकार देवलोक में भी यू नो ऐसे देव है जिसने नीच गोत्र आ, कर्म का बंद किया हो तो शास्त्र सा, लिखते हैं कि ऐसे जीव जिसने अरियन सिद्ध साधु या धर्म की आसाधना की हो या फिर ऐसे जीव जिसने अन्य कोई जीव धर्म कर रहा हो वो देख के ईर्षा की हो तो ऐसे वो वो दो कारण सर नीच गोत्र का बंद होता है और ऐसे ऐसे करने से ऐसे नीच गोत्र किलभिष्क देवता में वो लोग उत्पन्न होते हैं तो ये किलभिषक देवता है वो यू नो थ्री टाइप्स ऑफ किलभिषक देवता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन सबसे पहले जो सौधर्म्र सौधर्मेद्र देवलोक है उसके नीचे किलभिषक देवता का वास है जो फर्स्ट देवलोक इनका आयुष्य तीन पलियोपम है फिर वो थर्ड जो देवलोक है सनत कुमार उसके नीचे किलभिषक देवता का वास है वहां पे उनका आयुष्य तीन सागरोपम का है और जो फिफ्थ ब्रह्म देवलोक है उसके ऊपर किलभिषक देवता का वास है वहां पर उनका आयुष्य थर्टीन सागरोपम का है तो ऐसा करके किलभिषक देवता ये पर यह किलभिषक देवता वो नीच और काम करने वाले होते हैं पर यहाँ पे शास्त्र में प्रश्न आता है कि देवलोक में तो कोई नीच या शुद्र काम तो होता नहीं है तो वो लोग क्या करते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि वो लोग कोई नीच और शुद्र काम करते नहीं है पर अन्य देवता उनको नीच दृष्टि से देखते हैं और फिर शास्त्र में ऐसा भी आता है कि जैसे सभी देवता विमान में रहते हैं राइट वो प्रतर के ऊपर जो विमान है उसके उसके विमान में रहते हैं पर ये किलिशक देवता वो विमान के नीचे प्रतर पे रहते हैं जहाँ पे विमान एंड होता है वहां पे वो प्रतर पे रहते हैं तो इनके लिए रहने के लिए विमान भी नहीं है तो ऐसा करके तीन किलभिषक देवता का उल्लेख आता है फिर उसके बाद हमने बारह वैमानिक देवलोक के बारे में देखा उसमें सौदर्मेंद्र ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्मलोक लांतक महाशुक्र सहस्त्र आनंद प्रणा और आरण और अक्षिप्त ऐसे करके बारह वैमानिक के देवलोक है तो इस बारह वैमानिक देवलोक में टोटल टेन इंद्र है राइट बारह इंद्र नहीं है टेन इंद्र है तो सौधर्मे सौधर्म का सौधर्म इंद्र ईशान का ईशान इंद्र फिर सनत कुमार का समत सनत कुमार इंद्र महेंद्र ब्रह्मेंद्र लांतकेंद्र महाशुकर सहस्रार इंद्र फिर, फिर आनाथ और प्रणात का एक ही इंद्र है उनका नाम प्रणात इंद्र है और आरुण और आरण और अचुप्त का एक ही इंद्र है उसका नाम अचुप्त इंद्र है तो ऐसा करके नाइन्थ और टेंथ देवलोक का एक इंद्र है और इलेवंथ और ट्वेल्थ देवलोक का भी एक इंद्र है तो ऐसा करके टोटल टेन टेन इंद्रस है बारह देवलोक के फिर हमने देखा थोड़ा उसका इसका ज्योग्राफी के बारे में देखा कि जैसे अधोलोक में राइट नरक में अः सात प्रकार के जो नरक है उसमें हर एक नरक में डिफरेंट डिफरेंट प्रतर्स की व्यवस्था है उसी प्रकार यहाँ पे ऊर्ध्व लोक में भी हर एक वैमानिक देवलोक में भी प्रतर की व्यवस्था है तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रतर मतलब क्या कि हाउ डू यू विजुअलाइज राइट तो यहाँ पे उल्लेख आता है कि जैसे कोई कोई यू स्क, नो स्काई स्क्रेपर का बिल्डिंग है और डिफरेंट फ्लोर्स है तो ऐसी तरह यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स है पर जैसे स्काई स्क्रेपर का बिल्डिंग कोई आधार पे रहा होता है पर ये प्रतर ये हवा में होते हैं कोई आधार के बिना उर्ध्वलोक में रहे हुए होते हैं तो ऐसे करके जो प्रथम के दो देवलोक है सौदर्मेन्द्र और ईशान उसके टोटल थर्टीन प्रतरस है दोनों जो देवलोक है एक ही प्लेन में है राइट फर्स्ट एंड सेकंड देवलोक इन द सेम प्लेन तो ये जो प्रतर है वो कनेक्टेड है तो दोनों दोनों मिलके एक एक, एक एक सर्कल होता है तो दोनों हाफ सर्कल्स है तो जो मेरा अगर पॉइंटर देखो तो उत, जो दक्षिण दिशा में जो हाफ सर्कल है वो में इंद्र का देवलोक है और उत्तर दिशा में जो प्रतर है वो ईशान इंद्र का प्रतर है तो ऐसा करके दो देवलोक एक ही प्लेन में है और वो कनेक्टेड है तो ऐसा करके जो, जो जोग्राफी है वो बीच में इंद्र का इंद्रक विमान होता है फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पंक्तिगत विमान होते हैं और वो भी गोल चौरस और त्रिकोण होते हैं और बाकी सब छूटे चवाए पुष्कर करके विमान होते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन यू कैन आस्क तो यहाँ पे सौधर्मेंद्र और ईशान दो, दोनों एक ही प्लेन में है तो दोनों हाफ हाफ सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ के भी हाफ सर्कल्स है पर फिफ्थ सिक्स सेवंथ एथ दे आर लाइक कंप्लीट सर्कल्स वो इंडिपेंडेंट देवलोक है तो फिफ्थ जो ब्रह्म देवलोक है वो कंप्लीट सर्कल है ये भी सर सिक्स uh, भी लांतक महाशुक्र और सहस्त्रार्थ फिर वापस नाइन्थ और टेंथ वापस हाफ सर्कल से और इलेवंथ और ट्वेल्थ वापस हाफ सर्कल से तो ऐसा करके उसका जोग्राफी है फिर टोटल नंबर ऑफ ब्रथर्स की बात है कि सौदर्मेन्द्र और ईशान में थर्टिन ब्रथर्स है थर्ड एंड फोर्थ में ट्वेल्थ ब्रथर्स है ब्रह्म में 6 में छर्स है लांतक में फाइव महाशुक्र में चार सहस्त्रार में चार आनंद प्रणा में चार और आरण और अक्षुब्त में चार फिर नव ग्रेव के नव प्रतर पांच अनुत्तर पूरे एक ही प्रतर पे है तो ऐसा करके टोटल उर्ध्व लोक में 62 प्रतर्स है सिक्सटी 62 भूमि है और इस प्रतर पे विमान विमान होते हैं तो ये जो डायग्राम है वो काफी नो, अच्छा डायग्राम मिला जो जिसमें थ्री डी थ्री डी तरह से दिखाया है कि सेंटर में इंद्रक विमान होते हैं फिर आ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में पंक्तिगत विमान होते हैं वो डेफिनेट शेप वाले होते त्रिकोण गोल और, और, और स्क्वायर और बाकी जो छोटे चवाए विमान होते हैं उसको पुष्का किरणक विमान कहते हैं राइट तो यहाँ पे वो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन है कि कितने विमान कौन से देवलोक में है तो फॉर एग्जाम्पल सौधर्मेन्द्र में टोटल थर्टी टू लैक्स विमान है राइट अगर हमने वो सकल तीर्थ वंदूज करजोड़ पता है उसमें आता है कि हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है राइट हर एक देवलोक के हर एक विमान में एक शाश्वत जिन चैत्य है तो ऐसे सौधर्मेन्द्र जो फर्स्ट देवलोक है उसमें सेवन ट्वेंटी सेवन गोल है, विमान है, है uh, सो तो ऐसे पंक्तिगत हंड्रेड सेवन है और छुटे चबा है थर्टी वन लैक्स नाइन्टी एट थाउजेंड टू हंड्रेड नाइन्टी थ्री तो ऐसे करके थर्टी टू लैक्स विमान सौधर्मेन्द्र देवलोक में है तो ऐसे करके हर एक देवलोक के संख्या बताई गई है सो तो टोटल राइट टोटल विमान एटी फोर लैक्स तो इतने शाश्वत जिन चैत्य है राइट इतने विमान है और इतने शाश्वत जिन चैत्य है तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये जो हर एक विमान है वो असंख्य योजन से लंबे पौड़े विमान होते हैं कि एक्सेप्ट फॉर ये पांच चनुत्तर में जो सर्वार्षित विमान है वो एक लाख योजन वाला है पर बाकी विमान असंख्य योजन वाले हैं मतलब अपना जो भरत क्षेत्र है भरत क्षेत्र से भी बड़े बड़े ये विमान देवलोक के विमान होते हैं राइट right? कोई भी क्वेश्चन फिर उसके बारे में हमने थोड़ा और डिटेल में देखा था कि हर एक देवलोक में कितने सामान्य देवता होते हैं, कितने आत्मरक्षक देवता होते हैं, उसके काउंट है उनका उनका आयुष्य कितना होता है फिर अभ्यंतर पर मध्यम पर्षदा और बाह्य पर्षदा में कितने देव होते उनका आयुष्य कितना होता है फिर उनका शरीर की ऊंचाई राइट में सौ हाथ से लेके वो शरीर की ऊंचाई कम होते होते अक्षुप्त में तीन हाथ का होता है ग्रेवियक में दो हाथ और अनुत्तर में एक हाथ की शरीर की ऊंचाई होती है और ऐसा करके हमने लोक के बारे में लास्ट टाइम देखा था तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो अभी लोक का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है अभी हम नेक्स्ट आई थिंक थ्री क्लासेस में ये ज्योतिष विमान ज्योतिष देव का हम डिटेल्स में देखेंगे काफी डिटेल्स है शास्त्र में हम देखते कितना कवर कर पाते हैं पर ज्योतिष विमान राइट ये ज्योतिष देव राइट ये ज्योतिष देव के घर है तो ये इसको ज्योतिष विमान कहते हैं तो उसमें जो मध्यलोक है ये सभी ज्योतिष के विमान मध्यलोक में है क्योंकि वो जो 900 सौ योजन के अंदर आ जाता है तो हम जो भूमि में है उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं और उसके 900 योजन ऊपर तक ये सभी ज्योतिष के विमान है तो सबसे सेंटर में मेरु पर्वत है मेरु पर्वत के सराउंडिंग जम्बू द्वीप है उसके सराउंडिंग लवण समुद्र घाटकी कं कलोदी समुद्र और पुष्करवार द्वीप राइट अर्ध पुष्करवार द्वीप तो जो ये अडी द्वीप है अडी द्वीप में जो ज्योतिष के देव है वो सब चर ज्योतिष के देव है चर मतलब मूविंग ओके तो पांच प्रकार के ज्योतिष के देव है चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह और तारा इस पांच प्रकार के ज्योतिष के देव है तो ये पांचों पांच प्रकार के ज्योतिष के देव अड़ी द्वीप के अंदर जो जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है उसको प्रदक्षिणा देते हैं ओके तो इवन अगर लवण समुद्र में जो चार सूर्य चार चंद्र है घाटीकंड में बारह सूर्य बारह चंद्र वो जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं ओके okay, तो वो एक चीज याद रखना है कि घाट के अपने अपने मेरु पर्वत पे नहीं पर जम्बू द्वीप का जो सेंटर का मेरु पर्वत है वो सभी अड़ी द्वीप के सभी चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह और तारा ओके okay, वो जम्बू द्वीप के मेरु पर्वत को कंटिन्यूअस प्रदक्षिणा देते हैं तो इसके कारण इसको चढ़ ज्योतिष कहते हैं मतलब चढ मतलब मूविंग तो इसके कारण अड़ी द्वीप में हमको समय का यू नो व्यवहार काल होता है राइट तो यहाँ पे हम वो कहते हैं कि इतने सेकंड्स हुए इतने मुहूर्त हुए इतने आवलिका हुए राइट इतना इतने दिन हुए इतने युग हुए राइट इतने साल हुए तो यह सब जो व्यवहार होता है समय का वो सब ज्योतिष देव के आधार पे है राइट सिंस दे आर मूविंग उसके कारण ही दिन और रात होता है और इसके कारण ही हम मुहूर्त आदि उसका कैलकुलेशन कर पाते हैं पर अड़ी द्वीप के बाहर ये पांच प्रकार के ज्योतिष देव है चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह और तारा पर वो सभी कुछ स्टेशनरी है राइट right? तो अडी दिप के बार जहां पे भी सूर्य है वहां पे कंटिन्यूस दिन है जहां पे भी चंद्र है वहां पे कंटिन्यूस रात है राइट right? तो वहां पे एक उसको निश्चय काल कहते हैं वहां पे कोई अपने जैसा व्यवहार काल नहीं है पर वहां पे समय का प्रवर्तन तो है पर वहां पे निश्चय काल है मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है राइट right? तो अडी दिप के बार सभी ज्योतिष के देव स्थिर है और सभी एक ही लाइन में है सभी पंक्तिगत है तो इसके बारे में हम आगे जाके देखेंगे पर सभी पंक्ति एक ही लाइन में असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र है क्योंकि असंख्य द्वीप समुद्र है अड़ी द्वीप के बाहर फिर उसके बाद ये जो पांच प्रकार के ज्योतिष देव है चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह और तारा उसमें जो चंद्र और सूर्य के जो अधिपति देव है उसको इंद्र कहते हैं ओके तो चंद्र का जो अधिपति है वो इंद्र है और सूर्य का अधिपति वो इंद्र है और बाकी उनका परिवार है नक्षत्र ग्रह और तारा उसका परिवार है पर चंद्र और सूर्य में भी चंद्र का जो इंद्र है वो अधिक पुण्यवान है उसको महार्दिक देव कहते हैं तो जो भी व्यवहार होता है वो चंद्र के हिसाब से होता है अगर हम शास्त्र में हम पढ़ते हैं अगर तुम चंद्र प्रज्ञप्ति सूर्य प्रज्ञप्ति आदि आदि आगो में, में थोड़ा डिटेल में जाओ तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्र का परिवार सूर्य का परिवार नहीं आता है चंद्र का परिवार क्योंकि चंद्र का जो इंद्र है वो ज्यादा पुण्यवंत है और उसकी रुद्धि कांति और वृद्धि उसके सूर्य के देव से सूर्य के इंद्र से ज्यादा है तो चंद्र का परिवार कितना है राइट एक चंद्र के अंदर कितने कितने देव है कितने पर, कितना परिवार है तो बोलते हैं एक एक चंद्र होता है वहां पे एक सूर्य होता है ट्वेंटी एट नक्षत्र होते हैं राइट हमको व्यवहार में पता है रेवती नक्षत्र उत्तर साधा नक्षत्र आदि तो, तो, तो टोटल ट्वेंटी एट नक्षत्र होते हैं, एक चंद्र के परिवार में एटी एट ग्रह राइट अभी हमको नाइन ग्रह का हमको व्यवहार है सोलार सिस्टम में पर तो टोटल एटी एट ग्रह है एटी एट ग्रह और सिक्सटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव करोड़ा करोड़ी तारे राइट तो इतने सारे तारे तो ये एक चंद्र का परिवार है ओके एक चंद्र के परिवार में एक सूर्य ट्वेंटी एट नक्षत्र एटी एट ग्रह और सिक्सटी सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव करोड़ा को ऐसा करके एक चंद्र का परिवार है ओके, okay? ओके। कोई कोई okay. तो यहाँ पे फिर आगे जाके हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि हम जो भूमि में है वो समूतल भूमि है सम भूतल भूमि के आ, सबसे पहले सेवन हंड्रेड तक जाके तारा इन तारा के विमान आते तारा का देव का विमान आते हैं वो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं जम्बू द्वीप के उसके ऊपर 800 योजन में सूर्य का विमान आता है वो भी मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देता है उसके ऊपर 880 हंड्रेड एट्टी योजन पे चंद्र का विमान उसके ऊपर 884 एटी योजन में नक्षत्र का विमान और उसके ऊपर सभी ग्रह के विमान ओके okay? तो ऐसा करके उसका उसका समबतल भूमि से उसकी हाइट है अभी एक चीज समझना है कि ये जो प्रदक्षिणा देते हैं ना वो सेम प्लेन में प्रदक्षिणा देते हैं अर्थात जो सूर्य का जो विमान है वो ऊपर नीचे नहीं जाता है वो अंदर बाहर जाता है हम आगे जाके वो देखेंगे कि वो प्रदक्षिणा वो कैसे देता है उसका पूरा ज्योग्राफी है पर अंदर बाहर जाता है उसको मांडला कहते हैं पर ऊपर नीचे नहीं जाता है वो सेम प्लेन में रह के वो मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देता है तो उसी प्रकार तारा सूर्य चंद्र नक्षत्र और ग्रह वो सभी एक ही प्लेन में रह के मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं कोई क्वेश्चन तो सबसे पहले हम अड़ी द्वीप के बारे में बात करते हैं तो अड़ी द्वीप में जम्बू द्वीप में टोटल दो, दो चंद्र है राइट तो अभी दो चंद्र का मतलब दो दो चंद्र का परिवार है राइट तो उसमें दो चंद्र के परिवार में दो सूर्य होते ट्वेंटी एट टाइम्स टू नक्षत्र राइट right? एक एक चंद्र के परिवार, परिवार में ट्वेंटी right? फिर लवन समुद्र में चार सूर्य चार चंद्र सो एवरीथिंग यू मल्टीप्लाई बाय फोर घाटकी कन में ट्वेल्व सूर्य ट्वेल्व चंद्र एवरीथिंग मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व कलो में फोर्टी टू फोर्टी टू सूर्य चंद्र और अर्ध पुष्कर द्वीप में सेवेंटी टू सूर्य और 72 टू चंद्र तो ऐसा करके टोटल द्वीप में हंड्रेड थर्टी टू सूर्य और हंड्रेड थर्टी टू चंद्र थ्री हंड्रेड एंड थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स नक्षत्र इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्सटीन ग्रह और एटी एटी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवन तारे सिक्सटीन शून्य इतने करोड़ा है और ये सभी सभी इवन तारे भी मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं ग्रह, तारे, नक्षत्र, सूर्य चंद्र सो so, सब कुछ अपने जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं कोई तो पे डायग्राम है ये सेंटर में जम्बू द्वीप का मेरू पर्वत है तो टोटल हंड्रेड टू सूर्य हंड्रेड टू चंद्र है तो तो इसके लेफ्ट साइड सिक्सटी सिक्स चंद्र है इसके राइट साइड 66 चंद्र है उसी प्रकार सूर्य राइट right? तो मेरू पर्वत के एक साइड 66 और दूसरे साइड 66 ऐसा करके सिर्फ यहाँ पे तो सिर्फ चंद्र और सूर्य का दिखाया है जस्ट टू गेट एन आइडिया पर ऐसे आधा आधा राइट right? मेरू पर्वत के आधे साइड आधे चंद्र आधे साइड आधे चंद्र ऐसा करके मेरु पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं फिर अभी ये जो ज्योतिष के विमान है उसकी उसकी साइज क्या है उसके डायमेंशन क्या है वो शास्त्र में बताया गया है तो अभी हमको ये समझना है कि जो अड़ी द्वीप में जो जो पांच ये ज्योतिष के देव है उनका जो डायमेंशन है उनका साइज है वो डबल है और अड़ी द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे का जो डायमेंशन है वो उससे आधे है राइट तो अड़ी द्वीप में जो सूर्य चंद्र है उसकी कां, कांति अधिक है उनकी कां, कांति डबल है तो यहाँ पे आ, ये लोग ने कैसे किया है मैथमेटिक्स हम आगे जाके नेक्स्ट क्लास में थोड़ा देखेंगे पर जो भी योजन है ना योजन को सिक्सटी वन भाग में डिवाइड किया है और इसको अंश कहते हैं योजन का सिक्सटी वन भाग उसको अंश कहते हैं मतलब वन बाय सिक्सटी वन योजन इज इक्वल टू वन अंश तो ये अंश काफी जगह पे आता है कैलकुलेशंस में तो वो हम याद रखते हैं वन बाय सिक्सटी वन योजन इज वन अंश तो अभी इसकी डायमेंशन कितना है तो बोलते हैं कि चंद्र का 56 सिक्स बाय सिक्सटी योजन सूर्य का 48 एट बाई सिक्सटी योजन ग्रह का हाफ योजन नक्षत्र का वन बाय फोर्थ योजन और तारे का वन बाय एट योजन ऐसी उसकी लंबाई है कोहराई और ऊंचाई तो ऐसा करके शास्त्र में उसका डायमेंशंस आता है तो ये अडीजीप के अंदर का डायमेंशन है पर अडीजीप के बाहर जो सूर्य चंद्र है उसका आधा डायमेंशन है राइट तो जैसे हमने देखा था पीछे जाए फिफ्टी सिक्स बाय सिक्सटी वन वो चंद्र की ऊंचाई है यहाँ पे आधी हो जाती है जो by तो ट्वेंटी एट बाई सी वन ऐसा करके अडिद्वीप के बाहर जो भी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारे उनका जो भी डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ अडिद्वीप तो चंद्र का ट्वेंटी एट बायसटी वन सूर्य का ट्वेंटी फोर बाय सिक्सटी वन ग्रह का एक गांव नक्षत्र का हाफ गांव और तारे का वन बाय फोर्थ गांव ऐसा करके उनका डायमेंशन शास्त्र में दिया गया है तो अभी हम सबसे पहले हम द्वीप के बाहर का देखते हैं यू नो बिकॉज इट सिंपल टू अंडरस्टैंड तो अडी द्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है राइट और असंख्य द्वीप समुद्र मतलब असंख्य ज्योतिष के विमान है और ये जो ज्योतिष के विमान है वो सब कुछ स्थिर है राइट right? मतलब जहाँ पे सूर्य है वहां पे सदा काल के लिए दिन है और जहाँ पे चंद्र है वहाँ सदा काल के लिए रात है तो ये अरेंजमेंट कैसी है तो कहते हैं कि अरी द्वीप के बाहर चंद्र सबसे पहले चंद्र से स्टार्ट होता है चंद्र आता है फिर पचास योजन के बाद सूर्य आता है फिर वापस पचास योजन के बाद चंद्र आता है फिर वापस पचास योजन के बाद सूर्य आता है और उसका परिवार बीच बीच में होता है पर जो सूर्य और चंद्र उनके बीच का डिस्टेंस फिफ्टी थाउजेंड योजन है तो दो सूर्य और दो चंद्र के बीच का डिस्टेंस हंड्रेड थाउजेंड योजन ओके और ये पूरे लाइन पे है असंख्य द्वीप समुद्र में दे आर ऑल इन स्ट्रेट लाइन तो चंद्र पचास हजार योजन के बाद सूर्य फिर वापस पचास हजार योजन के बाद चंद्र फिर वापस पचास हजार योजन के बाद सूर्य और ये अपने पूरे परिवार के साथ होता है तो ट्वेंटी एट नक्षत्र एटी एट ग्रह सब कुछ बीच बीच में आ जाते हैं तो हमने देखा कि जो सूर्य चंद्र आदि ग्रह नक्षत्र तारे जो अडी द्वीप के बाहर है उनका डायमेंशन आधा है मतलब उसकी जो सूर्य की जो उष्णता है मतलब हीट और चंद्र की जो शीतलता है वो भी कम है अरिद्वीप के जो ग्रह नक्षत्र जो जो सूर्य चंद्र की जो हीट एंड कोल्ड जो शीतलता है वो ज्यादा है और अरिद्वीप के बाहर सूर्य चंद्र की शीतलता और उष्णता वो कम है ओके okay? फिर उसके बाद शास्त्र में कहा गया है कि ये जो भी चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र है उनका शेप इट्स समथिंग लाइक दिस मतलब हमको नीचे से गोलाकार दिखता है हम जैसे ऊपर आकाश की तरफ देखे तो वी सी, सी इट, इट इस आ, इस 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 राउंड पर शास्त्र में इसका शेप ऐसा दिया गया है कि नीचे से गोलाकार है हमको गोलाकार दिखता है पर ऊपर से सपाट है और जो सपाट है वहां पे देवताओं के विमान होते हैं और देवताओं की नगरी होती है और देवताओं का वास होता है तो ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख आता है फिर उसके बाद जो अड़ी द्वीप के बाहर जो चंद्र है वो सभी सभी चंद्र असंख्य चंद्र वो सबकु वो सभी अभिजीत नक्षत्र में होते हैं दे आर नॉट मूविंग राइट सो फिक्स है तो सभी चंद्र अभिजीत नक्षत्र में है और सभी सूर्य पुष्पुष्य नक्षत्र में है वो सदा काल के लिए ऐसा उनकी व्यवस्था है okay? तो यहाँ पे एक मैप है कि ये जम्मूद्वीप का मेरू पर्वत है जम्मूद्वीप के मेरू पर्वत से वन योजन को छोड़ के ये ग्रह नक्षत्र तारे सब शुरू होते हैं राइट जो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते हैं वो मानुसोत्तर पर्वत तक अरीद्विप के अंदर फिर अढ़ी द्वीप के बाहर वापस ये सूरिया चंद्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र होते हैं इट गोसिल अलोकाश के अंत तक तो अलोकाकाश के अंत से वन थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन योजन को छोड़ के यहाँ पे वो खत्म होते हैं तो यहाँ पे असंख्य सूर्य चंद्र जो है इट गोस अपटिल अलोकाकाश माइनस वन थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन योजन तो ऐसा करके उसका डायमेंशन दिया गया है तो अभी हमने देखा कि अःिद्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है राइट जो पुस्करवर द्वीप के बाहर पुस्करावर समुद्र है वरुणवर द्वीप फिर वरुणोवर समुद्र शीरवर द्वीप शीरवर समुद्र ऐसा करके असंख्य द्वीप समुद्र और लास्ट में स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र तो यहाँ पे एक शास्त्र में कैलकुलेशंस दिया गया है कि अरिद्वीप के बाहर कितने सूर्य चंद्र है राइट हाउ डू यू कैलकुलेट तो उसकी एक फॉर्मूला है कि हाउ डू यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सूर्य चंद्र आउट out ऑफ आउटसाइड अडिद्वीप तो तो यहाँ पे हमने अडिद्वीप के अंदर तो देखा कि जम्बुद्वीप में दो सूर्य दो चंद्र लवर समुद्र में दो चार सूर्य चार चंद्र घाटकन में बारह कलो में फोर्टी टू राइट तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा है कि जैसे अगर कलोधधी हम ले यहाँ से शुरू होता है फॉर्मूला तो कलोधधी में 42 चंद्र और 42 सूर्य है तो हाउ डू यू कम टू 42 टू तो बोलते हैं कि उसके प्रीवियस जो 12 है उसको मल्टीप्लाई बाय थ्री करने का प्लस फोर प्लस टू तो 42 आता है ओके okay, तो ट्वेल्व टाइम्स थ्री थर्टी सिक्स प्लस फोर प्लस टू तो फोर्टी टू तो फोर्टी टू चंद्र और फोर्टी टू सूर्य वो चर है राइट दे आर मूविंग दे आर रोटेटिंग उनका रिवॉल्यूशन मेरू पर्वत पे है इसलिए चर है फिर उसी तरह पुष्करवाड़ द्वीप में तो द्वीप में क्या करने का प्रीवियस लेने का फोर्टी टू तो फोर्टी टू टाइम थ्री वन ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस फोर प्लस टू वो प्रीवियस के सब कुछ ऐड करने का तो वन फोर्टी टू सूर्य और वन फोर्टी टू चंद्र अभी पुष्कर द्वीप आधा है राइट तो उसमें सेवनटी टू में है और 72 टू अधिद्वीप के बाहर है मतलब 72 टू चर है जो मेरू पर्वत को प्रदक्षिणा देते और 72 टू स्थिर है जो जो पर्वत के है पर यह फॉर्मूला है फिर अगर पुष्करवर समुद्र में कितने सूर्य चंद्र है तो उसका प्रीवियस लेने का यहाँ पे वन फोर्टी है तो वन फोर्टी फोर टाइम्स थ्री दैट इज फोर थर्टी टू प्लस प्रीवियस एड करने का फोर्टी टू प्लस ट्वेल्व प्लस फोर प्लस टू तो 492 सूर्य और चंद्र वो सब कुछ अचर अच्छा है राइट right? मतलब दे आर नॉट मूविंग तो सिमिलरली उसके बाद वाला वरुण और द्वीप तो उसमें प्रीवियस के 492 सूर्य चंद्र मल्टीप्लाई बाई थ्री दैट इज 1476 प्लस 144 प्लस 42 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2 तो 1680 सूर्य और चंद्र वरुण और द्वीप में है तो ऐसा करते 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 असंख्य द्वीप और असंख्य समुद्र पर फॉर्मूला रिमेन्स द सेम और डिस्टेंस आल्सो रिमेन्स द सेम चंद्र के बाद फिफ्टी था योजन के बाद सूर्य वापस फिफ्टी थाउजेंड योजन के बाद चंद्र ऐसा करके असंख्य द्वीप समुद्र में उस प्रकार से वो लोग रहे हुए है ओके right. okay. फिर उसके बाद शास्त्र में आ, ये चंद्र के परिवार के बारे में थोड़ा हम देख लेते कि टोटल हमने देखा कि 88 ग्रह है और ट्वेंटी uh, एट नक्षत्र है राइट हम सभी इसके नाम तो नहीं 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 पढ़ेंगे पर शास्त्र में ये सब नाम दिए गए हैं तो एट एट ग्रह कौन से हैं तो जैसे अंगारक विकारक लोहितक सनेश्वर आधुनिक ऐसा करके अगर आगे देखो तो बुद्ध शुक्र बृहस्पति राहु राइट जो जो हम जानते ऐसे नाम तो ऐसे करके शास्त्र में एटी एट ग्रह के नाम दिए गए तो ये सब एक चंद्र के परिवार में है ओके दे आर ऑल्सो रोटेटिंग द मेरू पर्वत अड़ित दीप के अंदर फिर उसके बाद ट्वेंटी एट नक्षत्र के नाम क्या है अभिजीत श्रवण धनिष्ठा सदभिषा पूर्व भाद्रा पर उत्तर भाद्रा युवती ये तो हमको जानते हैं राइट अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृग शीर्ष आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मधा पूर्व फाल्गुनी उत्तर फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्यता मूल पूर्वासादा और उत्तर उत्तर तो ऐसे ट्वेंटी नक्षत्र है तो ये सब ज्योतिष के देव है मतलब इसमें ज्योतिष देवों का वास है राइट तो ग्रह में एटी एट जो ग्रह है उसमें भी ज्योतिष देवों का वास है और वास मतलब सिर्फ एक देव नहीं होता है पूरा परिवार होता है हम उसके बारे में देखेंगे कि चंद्र और सूर्य तो इंद्र है पर इंद्र के साथ उनका पूरा परिवार होता है उसमें अंगरक्षक देवता होते हैं सामान्य देवता होते हैं उसमें बाह्य मध्यम और जगन्य अंतर की परसदा होती है उनके देव होते इंद्राणी होती है सब कुछ पूरे परिवार के साथ होते हैं कोई फिर उसके बाद गति, राइट, स्पीड, एट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द मेरू पर्वत तो कहते हैं कि चंद्र की सबसे कम गति है अल्प गति उससे ज्यादा सूर्य की है उससे ज्यादा ग्रह की गति है उसके ज्यादा ज्यादा नक्षत्र और उसके ज्यादा जाद, तारा तो चंद्र सबसे कम गति से अः मेरू पर्वत को रोटेट कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है और तारा सबसे ज्यादा गति से मेरु पर्वत को रिवॉल्व कर रहे हैं। okay. फिर ये एक चंद्र का जो विमान है उसका उसका शास्त्र में उसका ज्योग्राफी जो, दिया गया है कि वो वो कैसे दिखता है उसका शेप क्या है तो नीचे से तो गोलाकार है और ऊपर से सपाट है यहाँ सपाट में यहाँ देवताओं के विमान और देवताओं की नगरी होती है तभी तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है ये जो देवताओं के जो विमान है सूर्य चंद्र सभी उसको जो जो रोटेट हो रहे है राइट जो मेरु पर्वत को रिवॉल्व हो रहे है तो वो रिवॉल्व कैसे हो रहे है तो कहते हैं कि जो औभ्योगिक देवता है वो वो विमान वाहक है राइट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू नो फॉर रोटेशन तो जैसे चंद्र के कहते हैं टोटल सिक्सटीन थाउजेंड अभ्योगिक देवता है उसमें ये सिक्सटीन थाउजेंड अभ्योगिक देवता वो विमान वाहक का काम करते हैं और वो मेरू पर्वत को वो continuous वो रोटेट करते हैं उनका काम ही वही है अभियोगिक देवता वो नौकर चाकर देवता है उनका पूरा जिंदगी का काम यही है कि वो विमान को मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करे तो यहाँ पे कहते हैं शास्त्र में कि ये विमान के जो सोलह सिक्सटीन थाउजेंड अभ्योक देवता है वो चार में डिवाइडेड है तो उसमें पूर्व दिशा में सिंह का रूप करते हैं दक्षिण दिशा में हाथी का रूप करते हैं, पश्चिम दिशा में बैल का रूप करते हैं और उत्तर दिशा में घोड़े का रूप करके ये अभियोक् देवता इस विमान को उठाकर वो प्रदक्षिणा देते हैं मेरू पर्वत की राइट तो यहाँ पे उसका है कि तारा है उसको टू थाउजेंड अभ्युगिक देवता वाहक है सूर्य के सिक्सटीन थाउजेंड देवता चंद्र के सिक्सटीन थाउसेंड देवता नक्षत्र के फोर थाउजेंड देवता ग्रह के एट थाउजेंड देवता वो विमान वाहक का काम करते हैं फिर उसके बाद हर एक देव का आयुष्य दिया गया है तारा का जो देव है उनका जगन्य आयुष्य वन बाय एट पल्योपम उत्कृष्ट आयुष्य वन बाय फोर्थ पलियोपम सूर्य का जगन्य आयुष्य वन बाय फोर्थ पल्योपम उत्कृष्ट आयुष्य वन पलियोपम प्लस थाउजेंड ईर्स चंद्र का जगन्य आयुष्य वन बाय फोर्थ पल्योपम उत्कृष्ट आयुष्य वन पोलियोपम प्लस वन लैक इस नक्षत्र का वन बाय फोर्थ पलियोपम टू हाफ पलियोपम और ग्रह का भी वन बाय फोर्थ पल्युपम टू हाफ पलियोपम ऐसा करके उसका आयुष्य का उनका दिया गया है राइट right? फिर उसके बाद तो हमने देखा कि चंद्र का जो परिवार है उसमें एटी एट ग्रह है ट्वेंटी एट नक्षत्र है और चंद्र और सूर्य वो इंद्र है राइट right? उनके अधिपति जो इंद्र है और यहाँ पे कहा गया है कि शास्त्र में कि एक इंद्र को चार इंद्राणी है ओके तो उनका परिवार क्या है यहाँ पे उसका डिफाइन किया है तो एक इंद्र को चार इंद्राणी है और हर एक इंद्राणी को चार हजार देवी देविया है और चार हजार सामान्य देव देव है हरेक इंद्राणी को सिक्सटीन थाउजेंड आत्मरक्षक देवता है अभ्यंतर परिषदा में आठ हजार देवता है मध्य परिषदा में दस हजार देवता है और बाहर के परिषदा में बारह हजार देवता है और उसके अलावा भी अन्य लोकपाल देवता कर्णिक देवता आदि अन्य देवता तो है ही पर ये बेसिक परिवार है ओके एक इंद्र को चार इंद्राणी हरेक इंद्राणी को चार हजार देविया चार हजार सामानिक देवता सिक्सटीन थाउजेंड अंग आत्मरक्षक या अंगरक्षक देवता और अभ्यंतर अभ्यंतर में आठ हजार देवता मध्य में दस हजार परिषद में और बाह्य में बारह हजार देवता ऐसा करके हरक हरेक चंद्र जो असंख्य चंद्र है पूरे मध्य लोक में हर एक क्या ऐसा उनका एक परिवार की यहाँ पे संख्या का उल्लेख किया गया है तो कोई क्वेश्चन काफी डिटेल में है हम आज हमने थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन कवर किया ज्योतिष देवता के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ज्योग्राफी में कि हाउ दे रिवॉल्व राइट उसका भी पूरा मैथमेटिक्स है हम हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे पर थोड़ा देखेंगे कि दो सूर्य और दो चंद्र जम्बू में वो कैसे रोटेट होते हैं right? राइट वो मेरू पर्वत को तो वो हम थोड़ा हम नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा देखेंगे तो आ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो पर नहीं तो हम लोग अभी धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र को हम स्टार्ट करते हैं तो अभी धर्मनाथ भगवान के जीवन चरित्र स्टार्ट करने से पहले राइट हम थोड़ा ब्रीफली देख लेते कि अभी तक हमने क्या देखा राइट हमने सबसे पहले आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र से स्टार्ट किया उसमें पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखा फिर अजितनाथ भगवान के समय काल में दूसरे चक्रवर्ती सागर चक्रवर्ती का जीवन चरित्र देखा फिर थर्टीन से इलेवन तीर्थंकर संभवनाथ अभिनंदन सुमती पद्मप्रोह सुपाश चंद्रप्रोह और सुविधि शीतल और श्रेयांश ऐसा करके हमने सबका जीवन चरित्र देखा उसमें विशेषता ये थी कि सुविधिनाथ भगवान के जीवन चरित्र में उनके निर्माण के बाद जैन धर्म का विच्छेद हो गया था तो जैन धर्म वहां पे रहा नहीं था और वहां पे हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई थी अगर कोई पूछे कि वेदिक धर्म कब आया था तो नाइन्थ भगवान सुविधिनाथ भगवान के निर्वाण के बाद ये हिंदू धर्म की यहाँ पे उत्पत्ति हुई थी उससे पहले मात्र जैन धर्म था फिर उसके बाद हमने शीतलनाथ श्रेयांस नाथ और श्रेयांस नाथ भगवान के जीवन चरित्र में प्रथम वासुदेव त्रिपृष्ठ वासुदेव जो भगवान महावीर के जीव थे राइट तो Uh, उनका चरित्र देखा त्रिपुष्ट वासुदेव अचल भराता और अश्वग्री प्रति वासुदेव फिर वापस वासुपूज्य जीवन में सेकंड विजय बरदेव और तारक वासुदेव का जीवन चरित्र देखा फिर विमलनाथ भगवान के जीवन चरित्र में थर्ड सेट स्वयंभू वासुदेव भद्र बरदेव और मेरक प्रति वासुदेव का जीवन चरित्र देखा फिर फोर्टीन अनंतनाथ लास्ट टाइम उनके जीवन चरित्र में फोर्थ पुरुषोत्तम वासुदेव सुप्रभ नाम के बड़देव और मधु करके प्रतिवासुदेव का जीवन चरित्र देखा अभी हम फिफ्टींथ तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें इस जीवन चरित्र में काफी सारे चीजें आती है ओके इसमें फिफ्थ वासुदेव ये सुदर्शन वासुदेव सॉरी सुदर ये पुरुष ही वासुदेव सुदर्शन बड़देव और निशंभू प्रति वासुदेव का जीवित चरित्र आता है प्लस दो चक्रवर्ती माधवा चक्रवर्ती जो थर्ड चक्रवर्ती है और सनत कुमार फोर्थ चक्रवर्ती तो ऐसा करके चार डिफरेंट जीवन चरित्र आते हैं धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र पर उनके समय काल में फिफ्थ वासुदेव फिफ्थ बर्थदेव फिफ्थ प्रति वासुदेव और उसके बाद थर्ड चक्रवर्ती और फोर्थ चक्रवर्ती तो ऐसा करके काफी एलोबरेट जीवन चरित्र यहाँ पे आता है तो लेट स्टार्ट विथ धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र There is a large city, Badrilpur, in the province Bharat in eastern Vide in Ghatkikandvip. Its king was called Dradrat, with strong arms like an elephant with tusk. He devoured the brilliance of kings, like the sun, that of heavenly bodies. He was recipient of their tribute like the ocean of rivers. He did not assume any arrogance at all at his great sovereignty. Knowing the splendor of Indra is wavering and temporary, even though experiencing various pleasures of senses, he, he did not show any regard for living in the worldly existence like a guest. Feeling strong disgust with the pleasures, with no interest in his own body, he abandoned his kingdom and sub, and subjects as easily as impurities of his body. Then the king went to Acharya Vimal Mahan, sole physician for the disease of the great pain of Sansar he the crash jewel of kings received samyak charitra hard to obtain maintaining shamta while enduring trials he, he uh, practiced severe tapasharya. he purified his atma which had been defiled by the vishes and kashais practicing sthanaks devotion to aryant he acquired tirthankar nam karma after doing tap at the right time he died engaged in sukla dhyan and became a powerful dev in anuttar viman called Vijayanta. Now in the Bharat in Jambudvip, there is a city called Ratnapur. Because of mines of various ratnas, the ground of its street, paved with emeralds, shines at night like nakshatras. Its king was called Bhanu, brilliant as sun, fire to the straw of his enemies, glowing with spotless virtues. Even Brahaspati was not able to count his virtues. Like the waves of the ocean, possessing intense brilliance like the sun, he destroyed the splendor of his rival kings. He conquered kings without without a frown in his face or without a string to his bow. His wife was named Suvrat, an unusually virtuous wife. Devotion to her husband was an ornament suited to her. Her skill in walking was taught by Huns. Her glances by deer, a wealth of good conduct. At that time, Dhradrata's atma, living in the Vijayanth, immersed in pleasure, completed the maximum Ayushya and fell on the seventh day of bright half of Radha, the moon being in Pushya, and entered King Queen Suvrat's garb. Then Suvrat saw fourteen great dreams, elephant, etc., indicating the birth of Tirthankar. On the third day of bright half of Magha, in the constellation Pushpa, King Queen Suvrat bore a son marked with Vajra. Golden color at the right time. Fifty-six Dikkumaris Bhogankara etc. Came and performed the birth rites of the Bhagwan and Bhagwan's mother. Then the Indra of Sodhanendra got into the viman palak, uh, came, took the Bhagwan to Meru's peak. Sakra sat down of the jewel lion throne called Pandukbala, holding Bhagwan on his lap. Then sixty-three Indras, beginning with Achupta, made Bhagwan's abhishek with the pure water from various tirths. Sakra placed Bhagwan on Ishan's lap, did Abhishek anointed him, did Pujan, and began, began to do stuti, stuti as follows. Vandan to you, the 15th Aryant, absorbed in dhyan I consider bhav of Manushya more important than the bhav of devs. Since you have appeared as a leader of Chhatur let me be, be Manushya now in the southern Bharat as I wish to become your Shishya, which is the only way to get moksha. What difference is there between devas and Naraks to whom there is no sight of you? Soon the whole half of Bharat will be filled uh, filled by the water of your teaching of Dharma. By making infinite people attend moksha, you will make worldly existence un un uninhabited, like a king depopulating an enemy. O oh, Bhagawan, even in Devlok, may my days pass with my, uh, with my mind uh, clinging like a bee to your lotus feet. After this hymn of praise, Sakra received Bhagwan from Ishan and took him and put at Queen Suvrat's side according to the custom. Because his mother increased Dharma Haradana while he was in the garb, King Bhanu gave him the name Dharma. Bhagwan passed his childhood playing with devas in the form of boys and attend, attend youth, 45 dhanushya tall. To, to, to satisfy long desired wish of his parents and to consume bhagavali karma, Bhagwan married. When two and a half lakhs of years of, from birth had passed, the Bhagwan took burden of the kingdom at his parents' request. Bhagwan ruled the earth for five lakhs of years, and he himself uh, thought of diksha when the time was right. Reminded by Lokantik Devs, from form the chaturvid sun, the Bhagwan gave gave varshidan for a year. Then Bhagwan got into Palki named name Nagdatta and went to a beautiful garden called Vapra Kanakana. Uh, then Bhagwan entered the Udyan, which was very beautiful, where there were swarm of bees intoxicated by the mass of Priyango flowers, where girls and women were, were uh, where girls and women were flowers for making garlands. On thirteenth day of bright half of Magga in the constellation Pushpa, in the afternoon bhagwan took diksha with 1000 kings with two day upvas on the next day in the house of uh, Dharmasina in the in somanasa the bhagwan did parna with kheer the five divine things the rain of treasures etc took place there and Dharmasina made a jewel platform where the bhagwan had stood indifferent to his own body unstumbling like a wind bhagwan sat out from their place and wandered over the earth राइट right, यहाँ पे भगवान धर्मनाथ का जीवन चरित्र यहाँ पे भगवान अभी विचार रहे हैं दीक्षा लेने के बाद अभी फिफ्थ सेट ऑफ वासुदेव और बड़देव का यहाँ पे जीवन चरित्र शुरू होता है तो सबसे पहले प्रीवियस बर्थ ऑफ सुदर्शन सुदर्शन जो बर्देव है उनका प्रीवियस बर्थ नाउ इन सिटी अशोक इन द वेस्ट विदे इन जम्बू द्वीप दैन लिव द किंग पुरुष वर्ष सभा Always disgusted with existence, knowing the principles, virtuous, he became a medicant at the feet of Muni Prajapal. After practicing severe tapascharya, he died uh, when the time had come and became the dev in Sahastrad with the life of eighteen a previous, previous birth of Vasudeva or Prativasudev Purus Sina or Nisambu. There was a king named Vikata in Potanpur in Kshetra. He was conquered on the battlefield by the by, by King Rajasena by strength of his arm. From shame at this defeat, he gave kingdom to his son and took Diksha at the feet of Atibhuti. He practiced severe tap and made a niyana, made a nidan In another birth, may I be able to destroy Rajasena solely? With such a Nidan being made, he died in course of time and became a Dev, dev in second Devlok with the Ayusha of two Sagropams. King Rajasena wandered for a long time in ocean of birds and became King Nisambu in Haripur in Bharatshetra. Black in color, fortified, Dhanushya tall, with life of ten lakhs of years, he came to have a cruel command of earth. After subduing the, the southern half of Bharatshetra with perfect ease, he became the fifth Prati of this Pini Now in the city Ashwapura. In the same Bharat Chetra, there was a king named Shiva, the sole abode of happiness. He had two wives, Vijaya and Amaka, extremely dear, like fame and fortune embodied. Purusa was Sabhas, jo, jo bardeve, unka fell from Sahastrad and entered Vijaya's garb, with, with the birth of Vijaya indicated by four dreams. When the time was, uh, when time was completed, Lady Vijaya bore a son. Brilliant like a heap of her husband's glory embodied. Shiva gave him the name Sudarshan because of his beauty, with a great festival on an auspicious day. Now Vitaka, Jo Vasudeva, Vitaka's Jew fell from the second devlok and entered Amaka's garb, indicated by seven dreams, the birth of Vasudev. At the right time she bore a son with full auspicious marks, dark blue like sapphire, like a river bearing a blue lotus the king gave him the name Purusasina because he is a lion among men with a remarkable valor the two boys grew up cared for by nurses playing together wearing dark blue and yellow garments they attentive seized the arts making the teacher only the witness gradually the brothers became youth and shone like rivals of earth earth and heaven devoted to each other and devoted to their father they acted like his footmen one day shiva Sent Sudarshan to subdue a certain insolent neighboring king. Purusina followed him several marches from affection. With difficulty, birthday prevented him from following, and Vasudev remained there like an elephant lost from, from the herd. While he, he was all, uh, while he was elevating the pain caused by separation from his brother by various amusement, a man came from his father, Vasudev. Vasudev Purusina took the letter from his father when the man uh, when the man delivered and saw it in the words come quickly son disturbed he said to the man is my mother well is my father well why this sudden summoning of me the man replied your father summons you hastily as a strong inflammatory fever has appeared in his body distracted by the news he set out on the next day vasudev arrived at his own city vasudev entered his house where servants were busy with many herbs of many kinds, which were being mixed, uh, uh, pot up, cooked, and rolled, occupied by the best of Vaidyas, skilled knowing the strength and effect of each herb. Vasudev touching his father's feet, bathing them with tears from affection and devotion. Shiva revived greatly from the touch of his son's hand. There is happiness just from sight of the loved one. Shiva said to Vasudev, You look tired and your and your lips are dry. Then man replied, Your Majesty, he set out at once to see you when he heard the news. He uh, it has been two days without eating or drinking water. When Shiva heard that, he experienced double pain. He said, Go and take some time to eat. Thus commanded urgently by his father, Vashudev ate sorrowfully because of the great pain. While he, was, uh, uh, while he was entering back at his father's house, a female doorkeeper who appeared before him in tears o oh, prince, help, help even while the king is still alive your mother contem uh, contemplates a terrible thing. when he heard that vasudeva went to his mother's house and saw his mother, and she was saying, I cannot, I cannot endure at all to be a widow at my husband's death. i shall go before him, so let the fire be prepared quickly," vasudeva approached his mother, the mother of wealth of sorrow, and she, saying this, bored and said with sobs. Mother, mother, why do you also abandon me, unfortunate? Fate is hostile to me. Queen Amma said, This fatal disease of your father's that has been developed has been thoroughly exa examined by experts. I cannot bear hearing the word widow even for a moment. My birth had its purpose accomplished by my husband and by by you, a son that is a fifth fifth earth chakravarti. At my husband's death, my life will depart at its at its own accord. I shall abandon it by entering the fire. May my courage not be deficient. O oh son, do not be the obstacle to me now, even from affection, as I observe the custom of, of a Kshatriya family. I make this last request to you today. Do not say any, anything hindering this ceremony. After saying this, she went to enter the fire, the gate to the next bow. His, uh, his body, in tremendous pain, went to his father's side. Recalling his mother and seeing his father ill too, unable to pro produce any remedy, he fell on the ground. Though suffering from fever, the king assumed firmness and said, What is this, son? Fear is not suitable to our house. The earth is your mother to be supported by your arm. Are you not ashamed to fall on her because of lack of courage? Counseling Vasudev in this way, King Shiva died in the evening. Who is, who is able Who is able to escape the death? Vasudev fell on the ground when he heard like, uh, like a large tree falling from a storm. Then sprinkled with water, Vasudev conscious again, stood up crying, O oh father, what herb has any merit? What doctor can be trusted? Speak father as a favor to me. He talked for a moment and again burst into crying. Enlightened by elders of his family, Vasudev regained firmness and, and cremated his father in the fire of sandal. After that, he sent a letter to Bhardev announcing his father's death. Barda, who, who who conquered the arrogant border king, and he returned in haste, grieving by the letter, clinging to each other, wailing at top of their voices, Bardev and Vasudev made the council weep. Enlightened by their friends, they were slowly uh, uh, they, they, were, they very slowly overcame the affection for their father. While they were so overwhelmed with the sorrow of their father, a messenger from Ardh Chakravarti Nisumbha came there. Announced first by the doorkeeper, he entered at his command, bowed to Bardev to and Vasudev, and said, When he heard from people that King Shiva had died, Nisambhu, your kind lord, felt great sorrow. Recalling your father's devotion, King, Nis King Nisambhu sent me to your side with instructions to deliver the following message Now you are boys, you will face insults from enemies this high rank of your father has been transferred by me to you. you boys come under my sanction, and remain free from calamity. what can a forest fire do, those standing in the middle of the river? you are of little importance, must be made of great importance by me, wishing to pay the debt of the devotion long shown by your father." when they were addressed in these words, anger appeared and sorrow disappeared, raising an eyebrow from frowning. Somewhat Purus Sina spoke angrily like a lion. Is he not ashamed now speaking to us in this way? He is certainly an enemy, insulting us under the pretext of friendship. Let your Lord be friend, foe, or neutral. We have no regards for him. The messenger said, O son of Shiva, your childishness is very apparent, since you do not wish happiness, making an enemy today of him who is equal to a father. O foolish prince, you are still unskilled in royal politics. I will not report your speech to your master. So do as I say. By your father, uh, by by your favor, let there be peace for a long time between you and King Nisambu. Otherwise, he will soon be your enemy. If he is angered, your life will also be in doubt. Exceedingly angry at this speech, Vasudev replied, "You are a messenger indifferent to your own life. You are skilled in deceitful speech only." you will terrify kings like a non venomous snake just by its hood go our words must must not be concealed tell everything to your master he has been placed uh, he has been placed well in this category of persons to be killed because of words he will be an enemy so answered with violence the messenger got up hurriedly went to nishambu and told him everything in detail after hearing the speech nishambu killer of enemies angered Set out for war, covering the surface of the earth with soldiers. When Vasudev uh, when when Vasudev, conqueror of enemies heard that Nishambu had started, he started at once with the whole army and his elder brother, Nishambu and Purusina met in the middle of the road, eager to kill each other like two rutting elephants. The soldiers of two armies fought, shaking the heaven and the earth by the echoes of their shouts and twangling of their bows. Destruction of two armies, indifferent to self-protection, took place at once, like the end of the world. Vasudev standing in his chariot, blue, blue panchajanya sunk. At this loud noise, the enemy soldiers trembled as if the thunderbolt was falling. Stay, stay, you you think yourself as a warrior. Nisambu started his chariot towards Vasudev to fight. Vasudev and Prativasudev twangled their bows. They both rained arrows like clouds. Raining streams of water, they fought with weapons thrown by hand, thrown by machines, and also the other weapons in the ocean of battle. Then Nisambu recalled the chakra, Voracious with a blazing row of flames, terrible with its sharp edge. Nisambu made a terrifying speech uh, arrogantly. You are to be pitted. You are a boy. What disgrace will it be to uh, to you if you retreat? So go and serve me. Do you not even have a dog that gives you right advice? I split even the mountains with this chakra when it is discharged. Purusha Sinha said, "The strength of you and the strength of chakra must be seen. What have you done with other weapons? What will it do to me? Throw it. I shall see it see its uselessness." Nisambu hurled the chakra at him with all his strength, wishing to destroy him, strike, striking Vasudev's breast. When the tip of the herb. Like an elephant striking the slope of the mountain, it immediately becomes useless. Then Pura Sina fell on the ground, his eyes half closed, and was sprinkled by Bardayu with Gosir Chandan. Conscious again, he got up, took the chakra in his hand, and said to Nisambu, "Do not stay. Go, go, Nisambu." Nisambu said, "Throw it." And then he, the fifth Ardshakari, uh, cut the head with the chakra at once, and the rain of flower fell from the sky. Uh, on the head of Vasudev. Just by the possession of conquest, Vasudev subdued half of Bharatshetra. Returning from the expedition of conquest, Vasudev came to Magad and lifted with his arm a stone that needed a crore men to lift it. Covering the earth with the horses, Vasudev arrived at Ashwapur, surrounded by women of the city. His object accomplished at every step. There Vasudev's coronation as earth Chakravarti was made by other kings with devotion. ओके okay. तो यहाँ पे वासुदेव प्रति वासुदेव का जीवन चरित्र खत्म करते हैं नेक्स्ट टाइम हम वापस धर्मनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम आगे हम बात करते हैं कोई भी क्वेश्चन ज्योतिष देव के बारे में यानी क्वेश्चन लॉट्स ऑफ डिटेल्स तो आपको शायद वापस एक बार रिवाइज देखना पड़ेगा पर यू नो तो नेक्स्ट क्लास में वी कैन कंटिन्यू विद द ज्योतिष देव का आगे पर अगर कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो वी कैन वी कैन एंड विथ मंगलाचरण नमो अरियंता नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सब सावनम ऐसो पंच नमुकार सब पापनाशन मंगला सब सिम परम मई मंगलम जी ने अग्नाव तो इच्छा थैंक यू एवरी थैंक यू चैतल इट वॉज वेरी गुड थैंक यू थैंक यू चैतल थैंक यू थैंक यू